हेलो दोस्तों, आज हम आपको डेली यूज आने वाली पांच ट्रिप्स बताएंगे। नंबर वन, देखिए हमने फ्राई पैन लिया है, न्यू है, जो इसमें स्टिकर लगा है उसको हम हल्का से गर्म करेंगे फ्राई पैन को, फिर हमारा स्टिकर जो है इसमें अच्छे से निकल जाएगा, दाग भी नहीं रहेगा। इसीलिए जब हम भी न्यू लाएँ हमेशा हमें गर्म करके छुड़ाना है इसको। नंबर दो, हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें हम थोड़ा से पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम उसमें दूध डालेंगे। जब हम दो चम्मच पानी डाल देंगे तो जब हम दूध को गर्म करेंगे तो दूध नीचे चिपकेगा नहीं, और गर्म होने के बाद बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और हमें चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना नीचे जलेगा। इसीलिए हमें पहले पानी डाल देना है, फिर दूध डाल के गैस पर रख देना है गर्म होने के लिए। नंबर थ्री ट्रिप्स, हमने इधर चौका बेलन लिया है, ये देखिए अभी थोड़ा गीला है, जब हम रोटी या पूड़ी बनाएंगे तो चिपकने लगता है, बनता नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले गैस ऑन करके इस पर हल्का से इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद ये अच्छे से सूख जाएगा। जब हमने इसको अच्छे से सुखा लेंगे तो हम जब इसका रोटी या पूड़ी कुछ भी बनाएंगे तो एकदम से चिपकेगा नहीं, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए अभी हमने सुखा लिया, अब आप अच्छे से पूड़ी या रोटी बना सकते हैं। नंबर फोर ट्रिप्स, देखिए हमने मटर लाया है, ढेर सारी। हम कभी ऐसे होता कि मार्केट से मटर ला देते हैं तो ख़राब हो जाती है, इसीलिए हमने देखिए ये पॉलीथीन है, जो हम बेकरी से सामान लाएंगे या दुकान से तो हमें ऐसे पॉलीथीन मिलती जो कपड़े की होती है, थोड़ा हमें इसमें डाल के इसको गट्ठी लगा के फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, हमें जब ज़रूरत है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर फाइव ट्रिप, देखिए हमने इधर चना लिया है, ये काबुली चना है, हमें इसको एक डिब्बे में डालना है, पहले आधा पूरा नहीं डाल देना है। डालने के बाद इसमें हम 7 से 8 लेवांग डाल देंगे, फिर हम ऊपर से जो चना बचा है उसको डाल देंगे। इसको डालने से क्या है, जो चने में बहुत जल्दी से कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है, ख़राब नहीं होगा। हमें इसे चावल दाल किसी भी चीज़ में डालकर हम इसको अच्छे से डिब्बे में डालकर स्टोर कर सकते हैं।